सो हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज की वीडियो में जो मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो है हुंडई i20 2019-20 का मॉडल है। अभी भी कंटिन्यू आ रहा है, ये की कवर लगा हुआ है इसमें, बेसिकली चाबी अंदर है। और ये वीडियो एक बार पहले भी बना चुका हूँ मैं, आपने देखा होगा चैनल पर एक वीडियो बन चुका है पहले भी इसी गाड़ी पर। पर वो वीडियो में दो प्रॉब्लम्स ये थी कि पहला तो वो वीडियो इंग्लिश में था और ज़्यादातर लोगों ने बोला था कि हिंदी में वीडियो को बनाए रिव्यू वाले रिलेटेड जो भी हैं। और सेकेंडली जो चीज़ थी वो ये है कि वो वीडियो में थोड़ा कैमरा का एंगल सही नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार दोबारा अच्छे से डिटेल्ड एकदम मैं कवर कर देता हूँ। अभी 2020 की हुंडई i20 लॉन्च हो चुकी है, आपने देखा ही है, ये उससे पहले का वेरिएंट है, प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट है ये, और अभी भी कंटिन्यू है ये सेल पे। और जिस प्राइस में अभी आ रहा है बहुत अच्छा बाय है ये। अगर आपको वो उस टाइप के इतने फीचर्स नहीं चाहिए और अगर आप चाहते हैं इतना ज़्यादा पैसा नहीं खर्चना, तो काफ़ी अच्छा अभी भी ऑप्शन है ये i20। तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो पे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की कुछ चाबी है, चाबी से रिलेटेड भी एक डेडिकेटेड वीडियो पहले बन चुका है। लॉक, अनलॉक और होल्ड करने पे बूट। आप अनलॉक करोगे तो और VMs भी खुल जाते हैं, और साथ के साथ अगर हेडलाइट्स ऑटो पे हैं तो अगर रात का टाइम होगा तो ऑटोमेटिकली हेडलाइट्स भी ऑन हो जाएंगी। ये कुछ फीचर हैं इसके। और यहाँ से दबाने के बाद चाबी इजेक्ट हो जाती है अगर आपको बाहर बारिश वगैरह हो रही है तो, की को आपको अंदर रख के जाना है। तो इस टाइप का कुछ है, सिल्वर कलर में है ये गाड़ी, तो आप देख सकते हैं। पुराने वेरिएंट्स के बाद ग्रिल वगैरह, फॉग लैंप्स की पोजीशन और थोड़ा बहुत हेडलाइट्स में भी चेंज किया था इसमें, आप देख सकते हैं। ये पेट्रोल वेरिएंट है, 1.2 ड्यूल VT कापा इंजन है इसमें। और अगर आप देखें तो डिज़ाइन लैंग्वेज काफ़ी अच्छी कर दी थी इनने पहले से, अभी नई वाली की तो और भी चेंज कर दी है डिज़ाइन। पर जब ये जिस टाइम ये लॉन्च हुई थी 2018-19 के एंड में, शायद 18 के एंड में आए थे, तो काफ़ी अच्छा एक डिज़ाइन है। अभी भी समवॉट पीछे से, तो स्पेसिफिकली पीछे जो भी पीछे की जो डिज़ाइन है वो नई वाली i20 में इतनी अच्छी नहीं है, ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं इसकी ज़्यादा अच्छी है। तो इस टाइप का कुछ है, एक बड़ा हुंडई का लोगो मिलेगा। ये बम्पर की फिनिशिंग पूरी अच्छे से एकदम है, देखिए यहाँ गैसकेट के साथ बम्पर और बोनट का जो फिनिशिंग है काफ़ी अच्छा है, मतलब ज़्यादा पता नहीं चलता आपको डिफरेंस। हेडलाइट्स की अगर बात करें तो यहाँ आपको इंडिकेटर मिल जाएगा इधर, यहाँ पे आपको मिलेगा DRL, ये है आपका बाई बीम प्रोजेक्टर। बाई बीम प्रोजेक्टर मतलब लो बीम और हाई बीम दोनों एक ही में है, और वो जो आप लाइट देख रहे हैं ये है कॉर्निंग लाइट, काफ़ी यूज़फुल है ये। और इधर मिलेंगे कुछ फॉग लैंप्स। अगर आप ये एस्टा ऑप्शनल मॉडल है, अगर आप एस्टा ऑप्शनल मॉडल से एक नीचे लेंगे जो कि स्पोर्ट्स मॉडल है, तो उसमें DRL यहाँ की जगह DRL यहाँ आएगा इधर, ये टॉप मॉडल में नहीं आता। और इधर एयर डैम्प है, ये फंक्शनल एयर डैम्प है, आप देख सकते हैं पीछे, इससे बेसिकली हवा जाएगी जब आप 100 की स्पीड से ज़्यादा जाते हैं, तो टर्बुलेंस कम होने के लिए यहाँ व्हील के इधर हवा आती है आगे से, एक यूज़फुल फीचर है स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो बाकी तो अगर इस साइड अपन आए तो डिज़ाइन वगैरह आप देख सकते हैं इसका, फोकस करने दीजिए। तो अगर साइड प्रोफाइलिंग पे आएँ तो काफ़ी एक सिंपल, ज़्यादा कट्स नहीं, सिंपल आप देख सकते हैं एक लाइन सीधा आगे पीछे तक जा रही है। टॉप मॉडल में आपको ये साइड डोर गार्ड्स ये जो होते हैं इनको भी, ये भी मिलेंगे, साथ के साथ आपको क्रोम हैंडल्स मिलेंगे। आउटसाइड ऑटोमेटिक फोल्डिंग और इंडिकेटर के साथ आपको ORVM मिलेगा। और इसमें एक फंक्शन ये भी आता है कि अगर आप जैसे गाड़ी लॉक होगी तो मैं जैसे ही गाड़ी के पास आऊँगा तो एज इन वेलकम फंक्शन ये अपने आप खुल जाते हैं, जब तक गाड़ी अनलॉक भी नहीं होती तब तक। ये टॉप मॉडल है एस्टा ऑप्शनल, तो इसमें 16 इंच के व्हील्स मिलते हैं इस टाइप के कुछ डिज़ाइन में। इससे नीचे का स्पोर्ट्स प्लस में आपको 15 इंच का अलॉय मिलेगा, और अगर आप मैग्ना वेरिएंट ले रहे हैं तो उसमें 14 इंच का स्टील व्हील मिलेगा। अब आप इस टायर का साइज़ है 195/55R16, तो अलॉय की डिज़ाइन भी अच्छी, काफ़ी यूनिक सी डिज़ाइन है, अच्छी लगती है इस गाड़ी पर। और आपको ये बी पिलर भी आपको ब्लैक टाउन मिलेगा, और सी पिलर भी ग्लॉस बैक में फिनिश्ड है। और आपको जो डोर हैंडल्स हैं दोनों सारे क्रोम मिलेंगे जैसा कि मैंने पहले बताया, पर रिक्वेस्ट सेंसर आपको सिर्फ इसी साइड मिलेगा, और की होल भी आपको मिलता है गाड़ी को लॉक करने के लिए, आपको की अंदर ही छोड़नी है। तो इस टाइप से है कुछ पीछे का फिनिश। टॉप मॉडल है, पीछे आपको वाइपर और वॉशर दोनों मिलेंगे, और हेडलाइट्स को इस तरीके की थोड़ी बड़ी बड़ी सी हेडलाइट्स हैं। एस्टा की ब्रांडिंग इधर आएगी, i20 की ब्रांडिंग उस साइड है, हुंडई का बड़ा सा लोगो है। इस साइड आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर मिलेगा, स्विच उसका यहाँ पे, और कैमरा की प्लेसमेंट भी इधर ही है, ये रहा कैमरा और ये रहा आपको यहाँ पे प्रेस करके खोलने के लिए। आपको रिफ्लेक्टर्स इधर मिलेंगे, रिवर्स लाइट सिर्फ एक तरफ है,
क्रॉस कटिंग कर रखी है, देख सकते हैं आप। और चार सेंसर्स मिलेंगे नई वाली i20 में, सेंसर्स की भी काउंट कम कर दिए, सिर्फ दो कर दिए, तो जो कि अच्छी बात है अगर इसी में ही आपको ज़्यादा मिले। चार सेंसर ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं ऑब्वियसली दो से, तो इस टाइप की कुछ फिनिश है। शार्क फिन एंटीना अब आने लग गया है, पहले नहीं मिल रहा था इस वाले में, तो नॉर्मल एंटीना ही है, अब i20 वाले माना स्टार्ट हो गया शार्क फिन एंटीना। तो चलिए देखते हैं बूट को, एक बटन प्रेस करने पर बूट अपने आप खुल जाएगा। इलेक्ट्रिक बूट नहीं है, बस खोलने के लिए। तो यहाँ पे आपको बेसिकली मिलेगा 285 लीटर्स का बूट स्पेस, और इधर एक लाइट भी मिलेगी आपको, हम देख सकते हैं। ये पूरी बेंच सीट है, आप खोलें मतलब इसको करेंगे फोल्ड तो पूरी की पूरी आगे एक ही साथ फ्लिप हो जाएगी, और बाकी कुछ नहीं है। नीचे अगर अपन देखें तो आप देख सकते हैं ये छोटा टायर मिलेगा स्टील व्हील वाला, ये जो मैग्ना वेरिएंट में टायर आता है ये एक वही है। इसका टायर साइज है 185/65R15, काफ़ी छोटा टायर है। ब्रिजस्टोन का टायर इसमें दे रखा है स्टेपनी में, और उधर गुडियर का टायर दे में। तो इस टाइप की कुछ फिनिश है, पार्सल ट्रे मिलती है, और बस बाकी इतना ही। एक बार इंजन देख लेते हैं, इंजन को खोलने के लिए आपका लीवर आपको यहाँ मिलेगा, ये मैंने इंजन खोल दिया, बस इसको रिलीज करने के बाद आप इंजन आपका खोल सकते हैं। तो i20 ये वाले मॉडल की दो इंजन ऑप्शंस के साथ आती थी, बेसिकली दो इंजन मॉडल और दो ट्रांसमिशन के साथ आती थी। तो पहला इंजन था ये वाला जो कि 1.2 ड्यूल VT कापा इंजन है, ये पेट्रोल इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड है, टर्बो चार्ज नहीं है ये इंजन। और दूसरा इंजन जो आता था वो 1.4 लीटर का टर्बो डीजल इंजन आता था, और जो कि डिसकंटिन्यू हो गया, पर ये इंजन अभी भी नई वाली i20 में आ रहा है एक ऑप्शन। और गेयरबॉक्स में आप देखें तो पेट्रोल के साथ 5-speed मैनुअल गेयरबॉक्स है, या आपके पास CVT की भी ऑप्शन है, और डीजल में भी CVT की ऑप्शन है, और आपके पास 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन की ऑप्शन है। अगर टॉर्क और BHP की बात करें इस इंजन की, तो टॉर्क ये BHP है इसकी 82 BHP के आसपास ये निकालता है, और 115 Nm टॉर्क इस इंजन का है। काफ़ी क्लीन इंजन पे, पेट्रोल इंजन है तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, वॉशर फ्लूइड वगैरह आपका सब इधर सामने ही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। इंसुलेशन आपको इधर नहीं मिलेगी क्योंकि पेट्रोल इंजन है, रिफाइनमेंट के मामले में तो पता ही नहीं चलेगा कि स्टार्ट भी है या नहीं, बिल्कुल शांत एकदम है। और अगर सेफ्टी के हिसाब से बात करें तो काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स हैं इसमें, 6 एयरबैग हैं, ABS है, EBD है, ब्रेक लॉक कंट्रोल, मतलब कई सारी तरीके की इसमें है, पैनिक ब्रेक कंट्रोल भी है जिसमें मतलब आपका जो ब्रेक का पेडल है उसमें थोड़ा सा आपको असिस्टेंस मिलती है जब आप फुल प्रेशर से ब्रेक दबाते हैं, तो कई सारी चीज़ों की सेफ्टी में है। और स्पेसिफिकली ब्रेक्स काफ़ी इंप्रूव हुए थे, लास्ट वेरिएंट जो था इससे पहले वाली जो i20 आती थी उसमें ब्रेक्स ही काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे, कई लोगों ने बोला था कि ब्रेकिंग सही नहीं है, ब्रेक फ्री हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, तो वो वाला चीज़ इस वाले वेरिएंट में एकदम ठीक कर दी थी। तो अब चलते हैं पीछे और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें रेयर डोर्स की, तो रेयर डोर्स में आपको पावर विंडो स्विच इधर मिल जाएगा, स्पीकर मिलेगा, ट्विटर आपको टॉप मॉडल में पीछे भी मिलेंगे, बाकी नहीं तो आगे ही हैं सिर्फ बाकी वेरिएंट्स में। और आपको बॉटल होल्डर भी मिलेगी, इधर ग्रैब हैंडल है, और इस तरह की कुछ सीट्स हैं, ये तो ऑब्वियसली सीट कवर चढ़े हुए हैं इसमें, और आपको इधर एक सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलेगा ड्यूल कप होल्डर्स का, तो ये भी सिर्फ टॉप मॉडल में है, और टॉप मॉडल में ही आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे पीछे के दोनों। तो एक बार मैं बैठ के दिखा देता हूँ इधर, ये सीट अभी एग्जैक्टली मेरे पोजीशन के हिसाब से सही सेट हो रखी है, मेरी हाइट 6'2" है, तो मतलब थोड़ा अगर मैं पीछे बैठ पा रहा हूँ अपनी सीट के हिसाब से तो उस गाड़ी में स्पेस सही रहती है। तो देखिए अब इतना गैप है, बहुत ज़्यादा नहीं है पर ठीक है, एकदम कंफर्टेबल है, आर्मरेस्ट है इधर, और AC के वेंट्स भी हैं। ये सिर्फ एक ब्लोअर ही है बेसिकली, अलग से कोई AC की यूनिट नहीं है, आगे जो AC चलता है उसी की हवा खींच के ये पीछे फेंकता है, पर हाँ इफेक्टिव है, ना होने से कम अच्छा ही है। इधर पीछे आपको एक लाइट मिल जाएगी, और दोनों साइड आपको हैंडल्स मिल जाएंगे कोट हैंगर के साथ, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और बीच में इधर हम भी कुछ ज़्यादा है नहीं, काफ़ी सिंपल है, दो लोग आराम से बैठ सकते हैं और तीन भी बैठा सकते हैं आप किसी जर्नी के लिए, पर दो एकदम एटमोस्ट कंफर्ट पे रहेंगे। तो चलते हैं आगे,
और आगे जाने से पहले एक चीज़ ये कि सीट बेल्ट्स की भी यहाँ पे प्रोविजन दे रखा है, और एकदम नीटली सीट बेल्ट को लगाने के लिए एक जगह भी बना रखी है, जिससे कि आप इजीली इसको लगा सकें सीट बेल्ट पीछे, और आप जब यूज़ नहीं कर रहे तो इसको वापस यहाँ लगा सकें, जिससे कि वो रैटलिंग वाली साउंड नहीं होती। कि डिज़ाइन में काफ़ी एक अच्छी इम्प्रूवमेंट है ये। तो इस टाइप का है कुछ ड्राइवर साइड डोर हैंडल है, ये मेटल में फिनिश नहीं है, और ट्विटर है, ये पावर विंडो के कंट्रोल से सारे, ये सारा पावर विंडो हो गया। ये आउटसाइड रेवो मेरे इसको सेट करने के लिए लेफ्ट राइट आपको करके सेट करना है, और इसको अगर आपको ये देखिए बंद करना है या ओपन करना है उसके लिए भी यहाँ पे है। स्पीकर मिलेगा और आपको इधर बॉटल होल्डर मिलेगी। तो डोर काफ़ी वाइड ओपन होता है आगे का, काफ़ी स्पेस यहाँ है, आपको ईजिली इंग्रेस एग्रेस काफ़ी ईजी है यहाँ पर। और सीट बेल्ट पूरी सीट जो है सॉरी वो एडजस्टेबल है, आपको रिक्लाइन एंगल सेट करना है, आपको हाइट सेट करनी है, आपको सीट आगे पीछे करनी है, वो पूरा उसका प्रोविजन अच्छे से दे रखा है। ये जो स्कफ प्लेट्स लगी हुई है ये आफ्टर मार्केट लगाई है मैंने, गाड़ी के साथ नहीं आती। तो बैठते हैं गाड़ी में पहले। तो देखिए इस टाइप का है कुछ, डैशबोर्ड की फिनिश ऐसी है और अच्छी खासी है, मतलब बहुत ज़्यादा अलग भी नहीं है, मतलब आप अब तो काफ़ी बड़ी बड़ी 10 इंच की स्क्रीन्स आने लग गई हैं लगभग हुंडई की सारी गाड़ियों में ही, पर उस टाइम के हिसाब से काफ़ी सही है। मैं थोड़ी सीट पीछे कर देता हूँ आपको दिख जाए। तो इस साइड से बात करें तो इधर ग्लव बॉक्स मिला, ग्लव बॉक्स ज़्यादा बड़ा नहीं है पर वेंटिलेटेड है और काफ़ी अच्छा करता है, मतलब कूलिंग अच्छी हो जाती है कोई बेवरेजेस वगैरह अपन वहाँ रखे तो। इस साइड आप देखो तो प्रॉपर आपको एसी के कंट्रोल्स मिलेंगे, ये आपको डोर लॉक करने के लिए है, और ये हैजार्ड लाइट स्विच है, और ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, छोटा है पर फंक्शनल है काफ़ी, मतलब सारे फीचर्स हैं एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और मिरर लिंक, ये वो पूरा हर चीज़ से एकदम लोडेड है, कोई चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। टॉप मॉडल है तो टॉप मॉडल में आपको ये मिलेगा, इंजन का कीलेस एंट्री मिलती है आपको इसमें, और इधर एसी के कंट्रोल्स आ गए, ये ऑटो आ गया एसी ऑन ऑफ करने के लिए, फैन स्पीड वगैरह, ये पूरा आपका एसी का कंट्रोल हो गया। इसके लिए भी एक अलग सी वीडियो बनी हुई है चैनल में, आप जाके देख सकते हैं उसको। और ये जो था ये इस वाले वेरिएंट में ही चीज़ें ऐड की थी, जो कि है कि एक वायरलेस चार्जर दे रखा है आपको यहाँ पे, और ये चार्जर दे रखा है डायरेक्टली, ये चार्जर कनेक्टेड है सिर्फ यूएसबी केबल लगा के आप कर सकते हैं। तो एक चार्जर ये हो गया और वायरलेस चार्जर के साथ एक और चार्जर आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी चार्जिंग ऑप्शंस हो गई। तो आप एक दो तीन, अगर वायरलेस चार्जर है तो तीन तो आप चार्ज कर ही सकते हैं, और आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ये वाली जो यूएसबी है और ऑक्स है ये आपकी गाने प्ले करने के लिए है इसके थ्रू। और इधर देखें तो थोड़ी सी स्पेस, आप नहीं तो बाकी इधर अपना फ़ोन रख भी सकते हैं नॉर्मली उसके लिए। ये 5 स्पीड का गेयरबॉक्स है, ये पेट्रोल इंजन है, डीजल में 6 स्पीड का आ जाएगा। इधर आपको मिलेगी हैंड ब्रेक और 2 कप होल्डर्स हैं, और इधर एक आर्मरेस्ट है जो कि स्लाइडिंग है, ये देखिए आप स्लाइड कर सकते हैं एकदम अपनी ईजी वाली कम्फर्टेबल पोजिशन के लिए। अगर इस साइड देखें तो ORVMs आपको ऑटो डिमिंग नहीं मिलते, जो कि एक ख़राब बात है, वरना में आते हैं इसमें नहीं दिए गए। और इधर एक सनग्लास होल्डर मिलेगा एक आपको सनग्लास को रखने के लिए, ये लाइट्स को ऑन ऑफ करने के लिए, और इधर मिलेगा आपको माइक। इस साइड अगर अपन देखें तो आपको वैनिटी मिरर मिलेगा, पर इस तरफ कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता। हाइट आप सेट कर सकते हैं सीट बेल्ट्स की दोनों साइड पे, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड, कन्वीनियंस के लिए, जो कि एक अच्छी बात है इस में आ रही है। तो अब अगर इस साइड बटन्स की बात करें तो मैंने पहले ही बताया ये बूट खोलने के लिए है, यहाँ पे फ्यूज बॉक्स है, ये हेडलाइट को सेट करने के लिए उसका लेवल ऊपर नीचे, और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना जो इसकी ब्राइटनेस को सेट करने के लिए। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, ये ऐसे आप सेट कर सकते हैं। ये आपको गाड़ी यहाँ पे दिखाती रहेगी कि कौन से डोर्स ओपन है, जैसे दोनों साइड के डोर्स ओपन है। मैं एक बार डोर्स को बंद कर देता हूँ, ये देखिए। तो इस टाइप की कुछ है फिनिश स्टेयरिंग व्हील की। स्टेयरिंग व्हील की अगर बात करें काफ़ी अच्छा है, अगर टॉप मॉडल में भी लेदर रैप्ड आता है, प्लास्टिक वाला नहीं आता, तो इसमें तो कुछ आपको चढ़वाने की ज़रूरत नहीं है जो अपन स्टेयरिंग के पास चढ़वाते हैं। काफ़ी अच्छी फिनिश है, मतलब फील अच्छी आती है उसको पकड़ के। और इस साइड आपको बटन्स मिलेंगे MID को कंट्रोल करने के लिए, ये MID में स्विच करने के लिए ये वाले सारे बटन्स हैं, ये सारे ऑडियो से रिलेटेड बटन्स हैं, और ये हॉर्न पैड है, हॉर्न इसका थोड़ा सही मिक्स सा हॉर्न है, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता। और इस साइड मिलेंगे वाइपर के कंट्रोल्स, वाइपर इसमें ऑटोमेटिक नहीं है पर रेयर वाइपर, जो रेयर स्क्रीन का वाइपर है वो उसमें भी वो वॉशर के साथ आता है। और हेडलाइट्स ऑटोमेटिक आती हैं इसमें, हेडलाइट्स के लिए आप ऑटो पे करके इसको छोड़ सकते हैं, और बाकी सिंपल है, इंडिकेटर्स भी साइड हैं। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे फीचर्स अगर अपन देखें तो मतलब है नहीं, बीच में MID दे रखी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है MID में, आपको स्पीड बताएगी, एवरेज बताएगी,
और एक्यूमुलेटेड इन्फो आपको चाहिए, यार आपकी ड्राइव की इन्फो, मतलब जो जो कि रोज ऑटोमेटिकली सेट होती है वो है। इस साइड आपको आरपीएम मीटर मिलेगा, इस साइड आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, नीचे फ्यूल इधर और इंजन टेम्परेचर इधर। तो ओवरऑल काफ़ी एक अच्छी खासी बैलेंस्ड फीचर रिच्ड कार है, इस सेगमेंट में काफ़ी फेमस है ये गाड़ी, सब बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड है ये वाली। इसमें काफ़ी सेल की है इसने, मतलब इस सेगमेंट में अगर देखा जाए तो एक बलिनो आती है और पोलो आती है, पर ये गाड़ी हम शुरू से डोमिनेट करती आई है। अभी देखते हैं 2020 वाली के क्या फीचर्स रहते हैं, क्या कैसा रहता है, वो एक चीज़ होगी जो अपन देखते रहेंगे। और अगर थोड़ा बहुत बेसिक आपको बताऊं बाकी चीज़ें जो ड्राइव वगैरह की हैं, कि मतलब एवरेज वगैरह, एक ही चीज़ बताना भूल गया, डिस्टेंस टू एम्प्टी ऊपर बताता है इधर, आप इसको कर सकते हैं सेट, मतलब जब भी आप ये बताएगा कि आपकी कितनी रेंज है बेसिकली गाड़ी की अभी। और मैं आपको ये बता रहा था कि एवरेज इस गाड़ी की जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिटी में आपको देगी 13-14 के बीच की, और अगर आप हाईवे पर लेकर जाएंगे तो 20-22 की इजीली निकाल देगी। तो अब बेसिकली गाड़ी को चला के देखते हैं और देखते हैं किस तरीके की परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग और क्या है, मतलब कैसा है इंजन, ये इसकी बात अपन गाड़ी को चला के करते हैं। तो चलिए चलते हैं, तो भी चला कर देखते हैं चलिए गाड़ी को। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, 1.2 लीटर का इंजन है ये, पेट्रोल इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड। तो उस हिसाब से अगर परफॉर्मेंस के अपन देखे हैं तो ऑन पेपर परफॉर्मेंस डिसेंट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, और उसी टाइप का ये है परफॉर्मेंस इसके एक्चुअली भी। अगर इसको इंजन को नॉर्मली चलाया जाए, बिल्कुल जैसा अभी मैं चला रहा हूँ एकदम नॉर्मली लाइट फुटेड वगैरह अगर चलाएंगे तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस इंजन में आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा। पर हाँ, अगर आप थोड़ी सी भी स्पिरिटेड परफॉर्मेंस आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एकदम अच्छी पिकअप और परफॉर्मेंस हो, तो वो उस एस्पेक्ट में इंजन आपको थोड़ा डिसअपॉइंट करेगा। अगर आपको बेसिकली अच्छी सिंपल परफॉर्मेंस चाहिए और आप चाहते हो कि आपको एवरेज भी डिसेंट एवरेज मिल जाए, एवरेज तो डिसेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस सेगमेंट में गाड़ियाँ इससे ज़्यादा अच्छी एवरेज प्रोवाइड करती हैं और परफॉर्मेंस भी कुछ हद तक ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि बलिनो हो गई या पोलो हो गई। पर अगर आप बाकी फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लाएंगे तो हो सकता है वो इतनी अच्छी रहे ना रहे। चलिए अभी तो सिर्फ परफॉर्मेंस के रिलेटेड ही बात करते हैं। तो अगर ब्रेकिंग वगैरह की बात की जाए तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, i20 में ब्रेकिंग की तो कभी प्रॉब्लम पहले ज़रूर आई थी इसके पुराने वाले वेरिएंट में, पर अब तो बिल्कुल नहीं आती। और ABS और EBD वगैरह भी आपके साथ है तो काफ़ी एक अच्छी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में तो कोई कभी दिक्कत है नहीं, एकदम शॉर्टवर्ड ब्रेकिंग है, जहाँ ब्रेक मारो वहीं गाड़ी रुक जाती है। और बॉडी रोल वगैरह हैचबैक है तो ज़्यादा तो उसमें बात करने की चीज़ है नहीं, पर फिर भी बॉडी रोल एकदम वेल कंटेन्ड है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें है नहीं। पर परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं अगर आपको थोड़ा सा समझाऊँ सिर्फ इंजन की परफॉर्मेंस, तो वो ऐसे है कि अगर मान लीजिए आप 5 जनों को आपने बिठा रखा है, सब एडल्ट्स को आप गाड़ी में आपने बिठा रखा है और आपने AC ऑन किया हुआ है, ठीक है, तो अगर आप एकदम से आप चाहेंगे कि आपका पिकअप आए एक ही गियर पे सीधा आप उसको खींच लें, तो उस टाइप की परफॉर्मेंस आपको यहाँ नहीं मिलेगी। उसमें फिर मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप डीजल को ले लीजिए, या जैसे कि अब नई वाली एक जो i20 है उसमें एक 1 लीटर का टर्बो इंजन दिया गया है, उसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। पेट्रोल इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड होता है ना, तो उसमें एकदम से लो देखो एकदम मैं करूँगा तो इतनी परफॉर्मेंस नहीं, पर हाँ जैसे 2000 से ऊपर चलेगी तो देखिए आप कैसा एकदम एकदम पुल अच्छा आ जाता है इसका। तो आपको रेव तो करनी पड़ेगी, अगर आपको इस इंजन से अगर आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकालनी है तो आपको इस इंजन को थोड़ा रेव करना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये काफ़ी एक अच्छा एक रिफाइंड इंजन है। अगर मान लीजिए कोई इंजन होता जो बहुत ज़्यादा नॉइसी होता या बहुत ज़्यादा शोर करता तो आपको मन भी नहीं करता इसको रेव करके इसकी परफॉर्मेंस को एक्सट्रैक्ट करने का, पर जिस तरीके का रिफाइनमेंट है इस इंजन में तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसको इजीली रेव कर सकते हैं। और 2000 से 2500 RPM के बाद तो काफ़ी एक अच्छी सर्ज आती है पावर की, जो कि रहती है 5500-6000 RPM के आसपास तक, तो एक काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव है ये। अगर आपको डीजल नहीं लेना है तो आप लगभग 1,60,000 1,70,000 रुपये बचा रहे हैं, जो कि आप और चीज़ों में, मतलब इसी के लिए आपकी गाड़ी की कॉस्ट और नीचे आ जाएगी और परफॉर्मेंस वाइज भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, क्योंकि ये इंजन इतना रिफाइंड है तो अगर आप हाई स्पीड्स में अगर आप देखेंगे तो डीजल को कंसिडर करेंगे और या पेट्रोल इंजन को कंसिडर करेंगे तो पेट्रोल आपको एक काफ़ी एक शांत आपको परफॉर्मेंस देगा, मतलब आपको ज़्यादा शोर नहीं आएगा इसमें से और आप
मतलब बेसिकली ओवरऑल अच्छी खासी परफॉर्मेंस है और बिना नॉइज है ज़्यादा, और क्योंकि पेट्रोल इंजन है तो रेफ काफ़ी फ्रीली करता है, तो आप 100 150 मतलब 100 125 की स्पीड के आसपास भी अगर आप इसको चलाएंगे हाईवे पे तो ज़्यादा आरपीएम ऊपर नहीं रहती और एवरेज भी एक डिसेंट निकल के आ जाती है इस इंजन से। ये देखिए तो ओवरऑल अगर मेरे को कंक्लूड करना है तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप काफ़ी एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी लेना चाह रहे हैं इस सेगमेंट में तो ये वाली तो गाड़ी एक ऑप्शन नहीं कंसिडर कर रहे हैं आप, तो अच्छा रहेगा। अगर इसमें आपको लेनी है तो या तो आप नई वाली i20 का 1 लीटर का टर्बो इंजन ले सकते हैं, या आप पोलो पर जा सकते हैं, या आप फोर्ड की गाड़ियाँ भी देख सकते हैं इस सेगमेंट में, तो उनमें परफॉर्मेंस का आपको थोड़ा बेटर मिलेगा। इसमें परफॉर्मेंस तो इतनी नहीं है, पर ये बहुत बेसिकली ये गाड़ी टारगेट की गई है कि ईजी टू ड्राइव हो, मेंटेनेंस कम हो, तो उस एस्पेक्ट में अगर आपको लेनी है कि आपको भैया आपकी कॉस्ट भी कम रहे सर्विस की, आपको ज़्यादा आपको पार्ट्स भी अवेलेबल हों, एक डिसेंट रीसेल भी मिल जाए गाड़ी की, तो उस एरिया में तो बड़ी अच्छी तरीके से शाइन करेगी ये गाड़ी। अब इसका स्टेयरिंग व्हील इतना लाइट है, एकदम लाइट स्टेयरिंग है इसका, जो कि एक परफॉर्मेंस गाड़ी में इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस अगर आप कर रहे हैं तो एक स्टेयरिंग से आपको एक फीडबैक आना चाहिए उस गाड़ी को अच्छे से ड्राइव करने का, पर ये स्टेयरिंग थोड़ा लाइट है उस एस्पेक्ट में। पर अगर आप देखें तो अगर सिटी में आपको गाड़ी चलानी है तो ये बहुत ईजी हो जाती है चलानी, गियर एकदम शॉर्ट थ्रो है, गियर का एकदम इजी स्मूथ है, क्लच बहुत लाइट है, ब्रेक्स अच्छे हैं, तो ओवरऑल एक अच्छी गाड़ी है, काफ़ी आप अच्छे से इसको कंसिडर कर सकते हैं। आप सिटी ड्राइविंग में लेनी है, आपकी दूसरी गाड़ी, एक सेकेंड गाड़ी आपको लेनी है तो उसमें काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। और अगर आपको इसी को हाईवेज वगैरह पे भी लेके जाना है और आप काफ़ी लोडेड रखते हैं गाड़ी, ज़्यादा लोग आपके ट्रैवल करते हैं, तो आप डीजल को आप कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज तो बहुत अच्छी खासी ऑप्शन है। और सर्विस कॉस्ट वगैरह भी देखें, अगर अपन सिर्फ सर्विस सेंटर से ही, ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही इसकी सर्विस करवाएंगे तो 3 से 4 हज़ार के बीच में इसकी सारी सर्विस कवर हो जाती हैं, और तो ओवरऑल एकदम सस्ती गाड़ी है, एकदम सस्ती आपको रहेगी मेंटेनेंस में भी, और हम मारुति लेवल के हिसाब से तो एकदम सस्ती, या आपको वह नहीं पड़ेगी जिस तरीके की मारुति ने गाड़ियाँ लॉन्च की हुई हैं और जिस प्राइस में वो सर्विस करते हैं ये वो, वैसा तो नहीं है, पर एक डिसेंट ही है, डीजल से कंपेयर करेंगे तो सस्ता ही है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, पुराने इंग्लिश में भी बनाया हुआ था पर बोला, कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हिंदी में ही बना दिया जाए वीडियो दोबारा, तो मैंने बना दिया, और थोड़ी सी फ्रिक्वेंटली कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और गाड़ियाँ भी लूँ जिसकी मैं रिव्यूज़ बना के इस तरीके से डाल सकूँ। और आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अपने थॉट्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो और क्या क्या चीज़ आप चाहेंगे कि मैं चेंज करूं, या किस तरीके से और मैं किसी चीज़ को अगर समझाना है या किसी चीज़ को और डेप्थ में बताना है इन्हीं वीडियोस में, तो आप प्लीज़ मेरे को बता दीजिएगा, मैं उस बारे में उस एकदम आगे की वीडियोस में ध्यान रखूंगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और मैं आपसे मिलूंगा एक और ही एक ऐसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।